Hello, students. I am Suti Gupta, your math teacher. Today we start class 10th math, chapter 13, 13.1. Please like, share, and subscribe this channel. Question number 7 A tent is in the shape of a cylinder surmounted by a conical top. If the height and diameter of the cylindrical part are this 2.1 meter and 4 meter, respectively, and the slant height of the top is 2.8 meter. find the area of the canvas used for making the tent also find the cost of the canvas of the tent at the rate of rupees 500 per meter square first of all beta ye hamare paas ek cylindrical part hai okay तो next इसने बोला इसके ऊपर surmounted है कोनिकल टॉप तो ये कोनिकल टॉप ले लिया आपने clear है बेटा ये आपके पास आ गया कैनवस कैनवस जो यूज हुआ है आपके पास इस पार्ट पे यूज हुआ है ठीक है सिलेंडिकल सुरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप तो ये सिलेंडिकल पार्ट ऊपर सुरमाउंटेड हो गया कोनिकल टॉप और आपको दिया गया है सिलेंड्रिकल का हाइट दी गई है टू पॉइंट वन तो ये आप राइट करेंगे टू पॉइंट वन मीटर और आपको फोर जो है इसका ये डायमीटर दिया गया है तो हमें इतना रेडियस चाहिए इसका ठीक है तो ये टू आ गया हमारे पास और आपको दिया गया है स्लॉट हाइट ये वाली टू पॉइंट एट मीटर ठीक है ये दिया गया है आपको बेटा आपको बोल रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस कैनवस है एक लाइन मैंने नहीं लिखी थी क्योंकि वो उसने बोला था नीचे आपका कैनवस नहीं यूज़ हुआ सिर्फ ऊपर यहाँ पे एक तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया ए सरफेस एरिया कौन ओके okay? तो दोनों प्लस करके आपका एरिया ऑफ कैनवस आ जाएगा और लास्ट में आपको ये भी बोला गया है जो वन मीटर कैनवस है वो रुपीज़ फाइव हंड्रेड का है तो जो आपके पास कैनवस यूज हुआ है तो आपने उसकी कॉस्ट भी निकालनी है ओके okay? तो सबसे पहले गिवन जो है वो राइट करेंगे आप हाइट ऑफ द सिलेंडर तो सिलेंडर की हाइट जो दी गई है वो आपको टू पॉइंट वन मीटर दिया गया है ठीक है रेडियस लिखेंगे आप रेडियस ऑफ आप, सिलेंडर आपको डायमीटर दिया गया है हमें रेडियस चाहिए इसलिए टू आ गया आपके पास टू मीटर और रेडियस ऑफ कौन का यही होगा रेडियस ऑफ कौन तो वो भी टू मीटर होगा और हमें स्लॉट हाइट कौन की दी गई है हाइट ऑफ यहाँ पे हाइट लिखेंगे आप हाइट ऑफ कौन वो कितनी दी गई है टू पॉइंट एट मीटर ठीक है तो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है एरिया ऑफ कैनवस तो आप लिखेंगे सरफेस एरिया ऑफ कैनवस इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ कर्फ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कौन कर्व सरफेस सरफेस एरिया ऑफ कौन ठीक है तो यहाँ पे बेटा वैल्यू डालेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर टू पाई आर एच प्लस कौन का क्या आ जाएगा बोलिए कौन का पाई आर एल तो आपके पास पाई कॉमन आ जाएगा क्योंकि ठीक है पाई की सेम वैल्यू होती है आर सेम है आपके पास अंदर बच गया टू एच और एल वैल्यू डालेंगे पाई की नहीं दी गई है तो ट्वेंटी टू बाई सेवन है आर की है आपके पास टू और टू एच कितना दिया है टू पॉइंट वन प्लस एल कितना है टू पॉइंट एट ओके तो ट्वेंटी टू का अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं कितना हो जाएगा फोर्टी फोर बाय सेवन इसको अंदर करिए कितना हो गया टू और फोर प्लस टू पॉइंट एट कितना आ जाएगा फोर्टी फोर बाय सेवन मल्टीप्लाई में बेटा एट और ये टू ज़ीरो पॉइंट सेवन तो सेवन ही हुआ तो सेवन से सेवन कट तो आपके पास आ गया फोर्टी फोर मीटर स्क्वायर ठीक है तो नेक्स्ट आपको क्या निकालना है कॉस्ट ऑफ कैनवस तो आप लिखेंगे नाउ कॉस्ट ऑफ वन मीटर स्क्यर कैनवस इज इक्वल टू रुपीज़ फाइव हंड्रेड एंड तो कॉस्ट ऑफ किसकी निकालनी कॉस्ट ऑफ़ फोर्टी फोर मीटर स्क्यर कैनवस तो कितनी आ जाएगी रुपीज़ फाइव हंड्रेड मल्टीप्लाई फोर्टी फोर तो ये आ जाएगा आपके पास टू टू ज़ीरो 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 रुपीज़ में ठीक है रुपीस में इतना आ गया तो लास्ट में लिखेंगे हैंड्स कॉस्ट ऑफ ठीक है ये आ गया आपके पास कॉस्ट ओके okay, बेटा तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर एट में बोला गया बेटा फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुस हाइट इज टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर अकोनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डमीटर इज हॉलोड आउट फाइंड द टोटल सरफेस ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर सबसे पहले फिगर बनाएंगे ये आपने सिलेंडर बनाया बेटा ओके तो आपको बोला गया है इसी जो ये सॉलिड सिलेंडर है इसी में से आप एक कॉर्निकल कैविटी निकालेंगे तो सेम हाइट की और सेम डायमीटर की तो सेम हाइट हो गया सेम डायमीटर हो गया ओके बेटा और ये सेम हाइट होगी ठीक है तो ये आपको हाइट दी गई थी कितनी टू पॉइंट फोर डायमीटर दिया गया है टोटल वन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ठीक है क्लियर है बेटा ये आपके पास एक सॉलिड सिलेंडर आ गया क्लियर है अब आपको इसका सरफेस एरिया निकालना है जब भी बेटा फिगर सॉलिड है तो मतलब ये वाला जो कॉनिकल कैविटी आपकी निकल गई ये सरफेस एरिया आएगा बाहर का कर्व सरफेस एरिया आएगा सिलेंडर का और अगर सॉलिड फिगर है तो नीचे का बेस एरिया भी आएगा ये वाला ठीक है तीनों को प्लस करेंगे आप चलो गिवन राइट right करें हाइट ऑफ क्या है सिलेंडर कितनी दी गई है टू पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना आ जाएगा वन पॉइंट फोर बाय टू तो पॉइंट सेवन भी लिख सकते हैं इसको आप पॉइंट सेवन क्लियर है नेक्स्ट हमारे पास है बेटा तो यही हमारा कोन का भी हो जाएगा तो लिखेंगे आप रेडियस ऑफ कोन तो रेडियस ऑफ कोन क्या आ जाएगा आपके पास वो आ जाएगा पॉइंट सेवन ही आ जाएगा सेंटीमीटर और कोन में आपको क्या चाहिए स्लांट हाइट चाहिए तो उसके लिए हम स्लॉट हाइट निकालेंगे हमें हाइट दी गई है टू पॉइंट फोर रेडियस दिया गया है तो आप लिखेंगे एल इज़ इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्यर रूट के अंदर तो ये आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर एल तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं वी नो दैट एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्र तो ये एल आ गया आपके पास आर की वैल्यू है हमारे पास पॉइंट सेवन का स्क्वायर एच की वैल्यू है टू पॉइंट फोर का स्क्वायर ठीक है तो सेवन सेवन ज़ा फोर्टी नाइन अब पॉइंट भी इधर आ जाएगा प्लस बेटा टू पॉइंट फोर का जब हम स्क्वायर रूट करते हैं तो फाइव सेवन सिक्स आता है तो पॉइंट है यहाँ पे तो टू से पहले इसको आप प्लस करेंगे सिक्स टू फाइव हो जाएगा अभी आप देख रहे हैं ये और ये ये तो आपने प्लस करना था सॉरी है ना तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास टू पॉइंट फाइव का स्क्वायर तो ये कट हो गया आपके पास वैल्यू क्या आ गई टू पॉइंट फाइव आ गई एल ओके तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा तो नेक्स्ट आप करेंगे वही जो आपको पूछा गया तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड इज इक्वल टू कव सरफेस एरिया ऑफ सिलंडर कव सरफेस एरिया ऑफ सिलंडर प्लस कव सरफेस एरिया ऑफ कौन सरफेस एरिया ऑफ कौन प्लस बेस एरिया ऑफ सिलेंडर बेस एरिया ऑफ सिलेंडर ठीक है तो ये हो जाएगा बेटा टू पाई आर एच प्लस पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर जो बेस एरिया होता है सिलेंडर का वो किस शेप में होता है सर्कल की ठीक है और यहाँ से हमारा पाई कॉमन है सब में आर कॉमन है वो ले लीजिए पाई आर अंदर बचा टू एच एल और आर ठीक है तो पाई की वैल्यू ओपन करेंगे ट्वेंटी टू बाई सेवन क्योंकि हमें क्वेश्चन में कोई वैल्यू नहीं दी गई मल्टीप्लाई आर है हमारे पास पॉइंट सेवन टू एच की वैल्यू है टू पॉइंट फोर एल की वैल्यू है हमारे पास टू पॉइंट फाइव आर की वैल्यू है पॉइंट सेवन ओके तो यहाँ पे बेटा अगर हमने कटिंग की तो हमारे पास पॉइंट वन बचा तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे टू पॉइंट टू हो जाएगा हमारे पास तो ये हमारे पास हुआ कितना फोर्टी एट प्लस और ये कितना हुआ थर्टी टू ठीक है तो ये टू पॉइंट टू हमारे पास कितना हो गया बेटा ये मल्टीप्लाई ये जीरो आ गया और ये एट आ गया ठीक है तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा ए टू जिक्सटीन ए टू जिक्सटीन एंड सेवनटीन और ये क्या था सेंटीमीटर स्क्वायर तो आपको बोला गया था नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर तो जब भी हमारे पास पॉइंट फाइव से ऊपर वैल्यू आती है तो हम उसको एक नंबर इंक्रीज कर लेते हैं तो हमारे पास एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर इज नियरेस्ट वैल्यू ठीक है तो लास्ट में आप लिखेंगे हैंस आ गया आपके पास टोटल सरफेस एरिया रिमेनिंग सॉलिड एटीन सेंटीमीटर स्क्वायर नियर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है बेटा नाइन क्वेश्चन में वुडन आर्टिकल वॉज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर एज शोन इन द फिगर इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज टेन सेंटीमीटर and its base area base is of radius 3.5 radius to तो radius itna 3.5 find the total surface area of the article theek hai aapko ek wooden article diya gaya hai ye dekh rahe hain wo cylindrical shape hai but isne bola इसके दोनों एंड पे आपने क्या क्या स्कूपिंग ये स्कूपिंग मतलब spoon की तरह से आपने एक हेमिसफेयर बनाया यहाँ से और इससे दोनों एंड से ठीक है फिर बेटा आपको बोल रहे हैं इसकी सरफेस एरिया निकालेंगे क्लियर है तो आपके पास जो सिलेंडर की हाइट दी गई है वो टेन है इसका रेडियस दिया गया है थ्री पॉइंट फाइव है तो आप दो हेमिसफेयर हैं इनका भी सरफेस एरिया आ जाएगा इनर सरफेस एरिया ठीक है तो तीनों को आप प्लस करके टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले आपको दिया गया है हाइट ऑफ द सिलेंडर हाइट ऑफ सिलेंडर कितनी है वो टेन सेंटीमीटर और रेडियस ऑफ सिलेंडर सिलेंडर लिखो सिलेंड्रिकल पार्ट लिखो ठीक है थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर अब आपके पास रेडियस ऑफ हेमिसफेयर यही हुआ थ्री पॉइंट फाइव सेंटीमीटर ठीक है तो आप लिखेंगे टोटल्स सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल तो वो आ जाएगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस टू टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमोस्फेयर एरिया ऑफ हेमिस्फेयर ठीक है तो आप वैल्यू डालेंगे कफ सर फेस एरिया सिलेंडर की टू पाई आर एच और टू टू पाई आर स्क्वायर ठीक है तो यहाँ से बेटा टू पाई आर एच कॉमन आ जाएगा आपके पास आर सॉरी एच नहीं एच आ जाएगा बीच में और टू आर आ जाएगा ठीक है अब आप वैल्यू डाल देंगे अब इसकी टू पाई की कोई वैल्यू नहीं दी गई क्वेश्चन में आपको तो ट्वेंटी टू बाई सेवन आर कितना है थ्री पॉइंट फाइव एच कितना है टेन प्लस टू और ये थ्री पॉइंट फाइव ठीक है ऊपर करेंगे यहाँ पे यहाँ पे कटिंग होती है देखो काट दो सेवन वन ज सेवन सेवन फाइव ज पॉइंट फाइव ठीक है बेटा तो पॉइंट फाइव से पॉइंट फाइव से टू से किया तो कितना आ गया टेन फाइव टू जैट टेन वन तो ट्वेंटी टू तो ट्वेंटी टू ही बचा है यहाँ पे ट्वेंटी टू मल्टीप्लाई फाइव टू जैड टेन तो पॉइंट आया ना ये इसलिए ठीक है अंदर आपके पास बचा है टेन प्लस थर्टी फाइव को टू से किया तो कितना आ जाएगा सेवन हो जाएगा बेटा सेवनटी हुआ ना सेवन पॉइंट ज़ीरो ये आ गया अब हमारे पास बचा ट्वेंटी टू और मल्टीप्लाई क्या है सेवनटीन ठीक है यही है ना वैल्यू सेवनटीन हाँ सेवनटीन टू ज़ा बोलो सेवनटीन टू ज़ा थर्टी फोर सेवनटीन टू ज़ा थर्टी फोर और थ्री थ्री सेवन सेंटीमीटर स्क्र ठीक है ये आंसर आ गया लास्ट में आप लिख देंगे हैंस ओके थैंक यू बेटा